नमस्ते, मैं हूँ सीमा गुप्ता और मैं आज आपसे बात करूँगी नॉर्थ वेस्ट जोन को लेके कि नॉर्थ वेस्ट जोन हमारी लाइफ में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में हमारे दोस्त भी तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। कौन सा दोस्त हमारे लिए अच्छा है, कौन सा दोस्त हमारे बुरे समय पे साथ देगा, या फिर कोई ऐसा दोस्त हमारे अच्छे समय को बुरे वक्त में परिवर्तित कर देगा। हमारी लाइफ से जुड़े हुए लोग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, खासकर वो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। दोस्त अगर आपको धोखा दे दे और धोखा देकर आपके अच्छे समय को बुरे समय में परिवर्तित कर दे तो बहुत तकलीफ़ होती है। वो समय हमारे लिए काटना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी लाइफ जो एक अच्छी खासी हम जिंदगी जी रहे थे वो डिस्टर्ब हो जाती है। जानते हैं क्यों? हमारे घर का जो नॉर्थ फेस जोन होता है वो हमारे दोस्तों और हमारे रिश्तेदारों से संबंधित होता है। आपका नॉर्थ वेस्ट जोन अगर डिस्टर्ब है, अगर वो समझ लीजिए कि वो कटा हुआ है, या फिर आपने वहाँ पर लाइट कलर की जगह रेड कलर कर दिया है, ऑरेंज कलर कर दिया है, या फिर ऑरेंज या रेड कलर के कर्टेंस लगा दिए हैं, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा उस कलर का सामान रख दिया है, तो वो जोन डिस्टर्ब हो जाता है। और जब वो जोन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सपोज़ अगर आपको श्वास लेनी है, आपकी श्वास की नली में कोई ढक्कन लगा ले, सपोज़ कुछ जैसे सपोज़ हम नाक से सांस लेते हैं, हम नाक को अगर दबा दें, बंद कर दें, तो क्या होगा? हमारा दम घुटने लगेगा और हम सांस नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही हर एक जोन की एक आत्मा होती है, उसकी सांस लेने की प्रणाली होती है। हर एक जोन में अपने अपने कलर्स, अपनी अपनी मेटल होते हैं। हम अगर उनसे संबंधित चीज़ें ना करें, ना रखें, तो वो जोन डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट जोन वो मेटल उसका एलिमेंट है। अगर हम मेटल से संबंधित चीज़ें वहाँ पे रखते हैं, या फिर आपने विंड चाइम का भी नाम सुना होगा, हम अगर वहाँ पे वो लटका देते हैं और उसकी जो मधुर ध्वनि है वो हमारे कानों में पड़ती है, वो जोन एक्टिव हो जाता है। और जो थोड़े बहुत दोस्तों के साथ में मनमुटाव होता है, या फिर हमें लगता है ये दोस्त हमें चीट करेगा, तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। नॉर्थ वेस्ट का आपको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो वायु तत्व से संबंधित है, और वायु के वेग को तो कोई भी नहीं रोक सकता। वायु के वेग को जो भी रोकना चाहेगा उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो वायु के वेग को रोकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें उसे मैनेज, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। वहाँ पे लाइट कलर का हमें यूज़ करना है। वाइट कलर अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा वायु तत्व बैलेंस होगा। वहाँ पे कोई भारी चीज़ नहीं रखनी, अदरवाइज़ आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दमा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने नॉर्थ वेस्ट जोन का बहुत ध्यान रखना है। और अगर लगता है कि आपने वहाँ पे डार्क कलर के पर्दे लगाए हैं या कलर किया है, आप उसको तुरंत चेंज कर दीजिए। जो चीज़ हम तोड़ फोड़ कर बिना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके कर सकते वो हमें ज़रूर करना चाहिए। वहाँ पे आप एक विंड चाइम लाके लगा दीजिए ताकि वो जोन एक्टिव हो जाए। मेटल एलिमेंट, और मेटल की ही आपको लगानी है, कोई भी चीज़ आप प्लास्टिक की नहीं लगाएंगे। और कोई भी आप डार्क कलर की चीज़ वहाँ पे, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, पिंक कलर यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्थ वेस्ट का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके दोस्त भी आपको अच्छे मिलेंगे, धोखा आपको कम मिलेगा। और अपने इस जोन का बिल्कुल ध्यान रखिए ताकि आपकी श्वास प्रणाली को कोई रोक ना सके, आप अच्छे से सांस ले सकें और आपके दोस्त भी आपको अच्छे मिले। थैंक यू।